Hi guys, again this is Dr. OP Sharma. This is day second of our campaigning in Russian city Novgorod, Nizhny Novgorod. तो अभी जो हमारी जो गुड मॉर्निंग है वो हुई है बरसात के बूंदों के साथ. इनके खाने में हमने ऐसे करके चोरी से थोड़ी सी मिर्ची क्या डाली, इनको तो दस लगे बड़े भाई. सबको कोई बोल रहा है कि अब तो बड़ा खा लो, फिर वहाँ से सुबह सुबह घर जा कर दिया. तो जो रशियंस हैं वो इधर जो अपना ब्रेकफास्ट करने लगे हैं. इधर इन लोगों की कोई पार्टी टाइप जैसे चल रहा था सुबह सुबह मॉर्निंग सेशन, लेकिन बरसात की बूंदे आने से खराब हो गया. तो यहाँ उनका खाना सर्व किया जा रहा है. तो हमारा तो जो अभी ब्रेकफास्ट है वो अभी नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा सा वही जो सुबह शाम जो किराए करते हैं वो करनी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे. एक असली समस्या ये है कि यहाँ पे वॉशरूम नहीं है और टॉयलेट नहीं है. तो टॉयलेट जाने के लिए जंगल में जाना पड़ता है. लड़कियों के लिए शायद टेम्परेचर है, तो लड़कों को तो कम से कम जंगल में जाना पड़ता है. जिन लोगों के इधर टेंट हैं ये हैं ये हैं, ये देखो आपको यहाँ पे कोई नज़र नहीं आएगा. बरसात का इतना खौफ है और बरसात के खौफ के चक्कर में लोग अपने अपने घरों के अंदर डूब के बैठ गए. अगर बरसात इसी तरीके से आती रही है, ये जो लेक है Nizhny Novgorod में जिसके किनारे पे हम लोग कैंपिंग के लिए आए हुए हैं, तो जो लोगों ने पहले पिछला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो पिछला वीडियो देख ले. मॉर्निंग रूटीन इनका ऐसा होता है कि सुबह सुबह उठ के थोड़ी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, फिर मेडिटेशन वगैरह करते हैं. नहाना धोना तो शायद दिन में ही होता है. नहाना धोना ना दो खाना खाने वाला कोई रूल नहीं है. तो उसके बाद में कुछ खाना खाते हैं, फिर दिन में जैसे जैसे धूप आएगी उस हिसाब से फिर नहाना धोना है कुछ ऐसे करना. तो ये जो लेक है इस लेक में नहाना है. जो वेजिटेरियंस हैं तो उनका हमारे कैंप में खाना तैयार हो गया है. तो एक कॉल आई है कि खाना तैयार हो गया, तो मैं अभी डिनर के लिए जा रहा हूँ. डिनर का टाइम हो गया, वैसे 8:15 हो रहे हैं, लेकिन एकदम सूरज बाहर ही निकले हुए हैं. इसने दो दो केले खा लिए, इतनी थोड़ी सी मिर्ची लगाई, चोरी से इतनी सी मिर्ची डाली थी हमने इनके खाने में. हमने ऐसे करके चोरी से थोड़ी सी मिर्ची क्या डाली, इनको तो दस्त लगे बड़े भाई. सबको कोई बोल रहा है कि अब तो बड़ा खा लो, फिर बाद में सुबह तुम्हें परेशान करोगे. ऐसे वैसे कोई एक दूसरे को खाने नहीं दे रहे और मजे ले रहे एक दूसरे को. नमस्ते नी सलाम वालेकुम. हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे. तो इनको हरे कृष्णा में आता है. तो काफी प्यारी कंपनी है हमारी और प्यारी कंपनी के मेंबर इधर मालकिन प्यारी कंपनी की. Нет, это не остро. Это шоколадки. Не, ну как я ты, бы это не стал. Как ручной ты? А, ты попробуй, а, ты пожалуйста. Нет, спасибо. Мне и так все отлично. Привет, все, ну, ты что, ну, что надо? Есть, а мне и так по кайфу. Да, нет. Это вот лови, пальцы обрезал не палец? А, Жень, пальцы обрезал не так, как он. तो हमने क्या है, चोरी छिपे से मिलके जो इन्होंने जो खाना बनाया था
थोड़ी सी मिर्ची डाल दी। अभी हमने इनको बता दिया कि हमने इसे थोड़ी मिर्ची डाल दी, मिर्ची डालोगे तो इनको अच्छा लगेगा खाना। हमने ये सोच के इनके खाने में मिर्ची डलवा दी। और अब समस्या ये हो रही है कि जो मतलब मैनेजर जो थी वो बोल रही तुमने क्यों डाली, हमने चोरी छुप कैसे डाल दी। तो हम इसको एक गलत प्रूव कर रहे हैं कि यहाँ पे तीखा नहीं है जो खाना है, लेकिन हम सही हैं, लेकिन फिर भी मारने के लिए तैयार नहीं है। इतनी बेशर्म लेडी है, इसकी शक्ल एक बार देखो बेशर्म। तो अभी ये लोग नहा रहे हैं, इनको देखने के बाद मेरा खुद का नहाने का मन हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी चला जाऊँ फिर से पानी में। ये लोग एकदम मस्त लाइफ का मजा ले रहे हैं भाई। इधर आपको दिखाता हूँ मैं टैलेंट। रशिया की धरती पर शंकर जी का रूप लेके श्री शंकर जी यहाँ पे प्रस्थान कर रहे हैं। तो अभी दिखाता हूँ शंकर भगवान कैसे लग रहे हैं रशिया में, रशियन शंकर भगवान। देखो इधर अभी शंकर भगवान का ये जो त्रिशूल, ये त्रिशूल है और शंकर भगवान विजय हुए हैं त्रिशूल उठाने के लिए। इधर इनकी दूसरी मंडली है, तो कैंपिंग के टाइम लोग बोर ना हो इसको ध्यान रख के, और काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें रखी गई हैं। जैसे रात को म्यूजिक होता है, यहाँ एक सावना होता है। सावना में क्या होता है, लोग कपड़े उतार के और गर्म भाप लेने के लिए जाते हैं, फिर भाप लेके फिर दोबारा इधर रिवर में नहाने के लिए आते हैं, फिर से भाप लेने के लिए जाते हैं। तो ऐसे चलता रहता है। और अब जैसे दिन में थोड़ी देर पहले इधर लोग एक्सरसाइज वगैरह और ऐसे पिरामिड वगैरह बना रहे थे रेत में, उस टाइम मेरा जो फ़ोन था ये स्विच ऑफ हो रहा था, तो उसका मैं ब्लॉग बना नहीं पाया। उसी के बाद में पानी में बकचोदी कर रहे थे, अब उसके बाद में इधर आ गए, फिर रात को फिर से म्यूजिक चलेगा। तो ऐसा पूरे दिन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चलती रहती है। मेरे साथ ऐसी हुआ कि मैं इनको बोला कि मैं सेल्फी लेना है, मेरे को सेल्फी लेने के चक्कर में जैसे मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन किया तो वीडियो चालू हो गया, फिर बाद में बल्कि सेल्फी लेनी, फिर बाद में उसको रोक के सेल्फी स्टार्ट किया। यहाँ रशीस की जो चिलावेक है वो फुक्का फेंक रहे हैं मस्त अपने धूप में पड़े हुए।
तो अभी हम जंगल की राइडिंग पे आए हुए हैं, और जब हम वहाँ से घूम रहे थे तो हमें दिखा कि लोगों के यहाँ पे मास्टर क्लास चल रही है। तो यहाँ पे लोग अपने अपने हिसाब से गेम खेल रहे हैं, जैसे कि कोई एक बार तो यहाँ पे कबड्डी खेल रहे थे, उसके बाद में पकड़म पकड़ाई हो रही थी, वॉलीबॉल चल रहा है, तो काफ़ी मज़ा कर रहे हैं लोग। तो अभी मैं आया हुआ हूँ ये जो लेक है इसका जो दूसरा आइलैंड टाइप है वहाँ पे, और इधर देखो ये जगह, फिर बाद में पानी, फिर बीच में वो आइलैंड, और ऐसा कुछ सीन है। यहाँ पे लोग बोटिंग करते करते इतनी दूर तक आते हैं, तो काफी लोग इधर दिन में आते रहते हैं। два дня с топовыми диджеями России, да? Кто там у нас? Ребят, смотрите, это будет фестиваль реально нового образа. चिलावक जो है वो अंगारों से खेल रहा है भाई, खतरनाक है, कपड़े ना पहन रखे, आग से डर नहीं लग रहा इसको, काफी फन हो रहा है यहाँ पे। जो फायर शो है वो आज खत्म हुआ, और अभी जो है वो डांस वांस होगा, पीछे डीजे लग रहा है, डिस्को नाइट होगी, और डिस्को नाइट के लिए रेडी रहिए। Le gusta danza.
Cuando estudio en la escuela, pajaritas y good devotees. Cuando visita su abuela, si necesita una amiga, debe hablar con ratoncito. Si quieres ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez. Miércoles, jueves. काफ़ी मस्ती वाला रहा, काफ़ी सारी मस्ती की हमने मिलके। तो आज का ब्लॉग मैं अभी यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल ट्रैवल ट्रेडी को।